अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जब हमें आल्टीट्यूड ले रहे हैं, जो सीजन ट्रैकर हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो रेगुलर ट्रैक पर आ रहे हैं या रेगुलर जो 2-4-5 ट्रैक कर चुके हैं उन इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये प्रॉब्लम बिगिनर्स के साथ काफ़ी होती है। हम जैसे जैसे आल्टीट्यूड पकड़ते हैं ट्रैकिंग के टाइम पर ही, या अगले कैंप पर पहुँचने पर, या हम जब जैसे ही खाना खाया उसके बाद, या जैसे ही खाली पेट हैं, हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं हेडेक, डिजीनेस, थोड़ा सा नौसिया, और कुछ भी पानी या कुछ भी इंटेक करने की ना इच्छा। बिलीव मी, ये सब में होते हैं। यू आर नॉट द ओनली वन, कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा, दीज आर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। अपने आप को, अगर आपको ये हो रहा है, ये कॉमन है, नॉर्मल है, आप अल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं उस बॉडी से जिस बॉडी को इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है, इतनी कम ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है, आप उस बॉडी से उस जगह पर मेहनत करवा रहे हैं, रुकसैक भी उठवा रहे हैं, कम खाने में काम चला रहे हैं, कम पानी में काम चला रहे हैं, तो आपकी बॉडी थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें। फ्लूइड इनटेक जैसे ही आप बढ़ाएंगे, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी को पूरा लिक्विड पूरे हर पोर को मिलेगा, हर ऑर्गन को मिलेगा, बॉडी बेटर एक्लिमेटाइज होगी, और जैसे ही एक्लिमेटाइज होगी वो ये सारे जो हैं सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे एक एक करके। अगर आपको हेडेक होने लगा है शाम तक, आप देखेंगे वो सबसाइड हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक के बाद आप कैंप साइट पहुँचे, आपने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, वाटर इनटेक भी बढ़ा दिया, कुछ आपने वहाँ जाकर हेडेक की जो है मेडिसिन ऑफकोर्स ग्रुप लीडर से या अपने गाइड से और किसी से पूछ कर फिर ली, अपनी जानकारी से नहीं लेनी है वहाँ, आपने वो भी ले ली। उसके बाद भी आपको अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, यूज टू कंप्लेंट, इमीजिएटली कंप्लेंट टू योर कैंप लीडर, टू योर गाइड, whosoever senior in your group, आप immediately उसे बताएं, शेयर करें कि यार मुझे ये डिजीनेस हो रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे दोपहर से हो रहा है, मैंने वाटर इनटेक भी बढ़ा दिया है, और मैंने जो कर सकता था पिछले, मैंने आते ही यहाँ मील्स भी ले लिया, मैंने सूप भी ले लिया, मैंने चाय भी ले ली, मैंने पकौड़े भी खा लिए, उसके बावजूद मेरा हेडेक नहीं जा रहा है। ही विल बी द बेस्ट जज देयर, जो आपके सिम्टम्स देखेगा उस टाइम। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेकर अपनी पल्स और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका सेचुरेशन 90-92 से अबव है, कोई चिंता की बात नहीं है, यू आर फुली ओके, और ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये जैसे आधा एक घंटा आप रेस्ट करेंगे ये सबसाइड हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका सेचुरेशन 88, 87, 85, 84 आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इस तरफ। उसमें आपका जो ग्रुप लीडर है वो डिसाइड करेगा आपको मेडिसिन क्या देनी है, ORS का आपको घोल ज्यादा लेना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लेने हैं, आपको सूप ज्यादा लेना है, इन ऑल आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना है, फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। इन सिम्टम्स को मैं आपको इग्नोर करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, लेकिन इन सिम्टम्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए और शेयर करने के लिए कहूंगा, क्योंकि यही सिम्टम्स आपको आगे जाकर HAS होते हैं, ये हायर अल्टीट्यूड सिकनेस है जो आपको हो रहा है, एंड दिस इज कॉमन। लेकिन इन्हें हमें AMS और बाकी के जो फिर डरावनी डरावनी जो उनकी टर्म्स हैं उस तक नहीं जाने देना है। तो इनको जैसे ही ये परसिस्ट करें इनको हम एड्रेस कर देंगे और इनको अच्छे तरह से इनके साथ निगोशिएट करेंगे, जिससे कि ये हमारी वहीं की वहीं रुक जाए, हमारा ट्रैक हमारा बना रहे और हमारे आगे के दिन के लिए हम बेटर तरीके से अगले दिन के लिए हम तैयार हों।